देवरिया जिला के सलेमपुर क्षेत्र में लाल से पिंडी तक की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं पिंडी से भागलपुर तक के सड़क का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि आधे घंटे का सफर लोग डेढ़ घंटे में तय करते हैं। सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा हो या विधायक विजय लक्ष्मी गौतम, यहां के हालात से कोई भी नेता अनजान नहीं है। इन्हीं रास्तों पर चलकर आते हैं ये विकास के वादे करने, लेकिन सत्ता की कुर्सी पाने के बाद ये लोग इधर का रास्ता ही भूल जाते हैं। ना तो कभी ग्रामीणों का हाल जानने आए और ना ही ग्रामीणों के लिए कोई राहत का काम किया। भाजपा के इन 7 सालों में ग्रामीणों को कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन। ग्रामीण कई बार यहां के विधायक और सांसद को पत्र भी लिख चुके हैं, कई बार बदहाली की खबरें अखबारों में छप चुकी हैं, लेकिन यहां के नेता अंधे और बहरे हैं, जिन्हें ना तो सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। यहां पर लगातार 2 बार से रविंद्र कुशवाहा सांसद हैं, वहीं सलेमपुर क्षेत्र से विधायक विजय लक्ष्मी गौतम राज्य में मंत्री के पद पर हैं। ये नेता अंधे और बहरे हैं, लेकिन गूंगे नहीं, क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते इनकी जुबान नहीं थकती। यहाँ के विधायक विजय लक्ष्मी गौतम पूरे राज्य में ग्रामीण विकास और समग्र ग्राम विकास का मंत्रालय संभाल रही है, लेकिन इनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बदहाली नहीं सुधर पा रही। पिछली बार यहां भाजपा से काली प्रसाद विधायक थे। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी भी उस समय चुनावी रेस में थी, लेकिन उनकी जगह काली प्रसाद को टिकट दिया गया और काली प्रसाद ने जनता का नहीं केवल अपना भला किया। फिर जब विजय लक्ष्मी गौतम विधायक बनी तो लोगों में खुशी की लहर थी कि अब शायद हालात बदल जाएगा। उसके बाद विजय लक्ष्मी गौतम को मंत्री का पद मिला तो लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गईं, लेकिन यहां के लोगों की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक पिंडी, लार और भागलपुर के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। कोई भी विकास की योजना आखिर पिंडी तक पहुंचते पहुंचते खत्म क्यों हो जाती है? कब तक यहाँ के सड़कें कागजों में पास होती रहेंगी? कब तक यहाँ के लोगों को बहकाया जाएगा? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आज भी कई ग्रामीण इलाके हैं जहाँ की सड़कें विकास की दास्तां बयां करती हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले नेता जमीनी हकीकत में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लगातार 2 बार सत्ता में आई, लेकिन इन 7 सालों में ना तो कोई हालात बदली और ना ही कोई विकास हुआ। ग्रामीणों को आज भी कम वोल्टेज की बिजली और खराब सड़कें जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।